दोस्तों अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ओ माय गॉड 2 का दिलचस्प टीजर रिलीज हो चुका है और इस टीजर में फैंस को अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की शानदार केमिस्ट्री भी देखने को मिली। हालांकि टीजर रिलीज होने के बाद कई यूजर्स परेश रावल को भी मिस कर रहे हैं और एक इंटरव्यू में अब परेश रावल ने भी बता दिया है कि वो क्यों नहीं बने ओ माय गॉड 2 का हिस्सा और आखिर उनको क्यों नहीं पसंद आई ओ माय गॉड 2 का टीजर। देखिए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 का मोस्ट अवेटेड टीजर रिलीज हो गया है और टीजर को फैंस ने हिट करार दे दिया है और ज्यादा कुछ बताए बिना निर्माता दर्शकों को फिल्म की दिलचस्प कहानी से बांधे रखने में कामयाब रहे हैं। और ओ माय गॉड के सीक्वल के लिए अक्षय कुमार ने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम के साथ मिलकर काम किया है। देखिए 2012 रिलीज ओ माय गॉड में परेश रावल थे और ऐसे में इस बार पंकज त्रिपाठी ने उन्हें रिप्लेस किया है। जहां फैंस अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वहीं कई लोग परेश रावल की अनुपस्थिति से भी नाराज थे। हालांकि एक पुराने इंटरव्यू में परेश रावल ने फिल्म छोड़ने के पीछे की असली वजह बता दी थी। देखिए इंटरव्यू में परेश रावल ने खुलासा किया कि ना तो उन्हें ओ माय गॉड 2 की कहानी पसंद आई और ना ही फिल्म में उनका किरदार, और जैसे कि परेश रावल को यकीन था कि उन्हें ये किरदार निभाने में मजा नहीं आएगा, इसकी वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट ठुकरा दिया। और उन्होंने कहा था कि मुझे कहानी पसंद नहीं आई और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता और कोई भी सीक्वल बनाने जैसा होता है, चूंकि मैं किरदार का आनंद नहीं ले रहा था इसलिए मैंने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। परेश रावल जी ने इसके आगे कहा कि अगर कोई सीक्वल बनाना चाहता है तो वो लगे रहो मुन्ना भाई जैसा होना चाहिए। और साथ ही परेश रावल ने यह भी कहा कि जो हम हेरा फेरी में कर चुके थे वो भी काफी मजेदार होने वाला है। हालांकि सभी कैरेक्टर सेम हो ये जरूरी नहीं हो सकता और मैं आपको बता दूं कि ओ माय गॉड 2 का टीजर एक सामाजिक संदेश के साथ एक व्यंगात्मक कॉमेडी का वादा करता है, जहां यामी गौतम एक वकील की भूमिका निभाएंगी और वहीं पंकज त्रिपाठी भगवान के पक्के भक्त के रूप में नजर आएंगे। देखिए ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और इसकी टक्कर सीधे सीधे सनी देओल की मच अवेटेड मूवी गदर 2 के साथ होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये मूवी अक्षय कुमार के डूबते करियर को फिर से उठा पाती है या नहीं। बाकी दोस्तों अगर आपने ओ माय गॉड 2 का टीजर देख लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अक्षय कुमार की इस मूवी का टीजर कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।